देखो बेटा, एक एडवांस 2009 में क्वेश्चन आया बेटा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। क्या गिवन था? ये आउटर सर्कल है, इसका मास है 6 m, इसका सेंटर है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक है ना? ये सेंटर है, ये सेंटर है सी, ठीक है? पक्का? बहुत बढ़िया। जो लेफ्ट इनर सर्कल है, जो राइट इनर सर्कल है, उनके जो सेंटर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं -a,a और a,a। कोई दिक्कत नहीं, इसका -a,a होगा इधर है, इसका a,a होगा इधर है। सेंटर ऑफ सर्कल, बड़े वाले सर्कल के सेंटर का 0,0। जो वर्टिकल लाइन है उसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। सही बात है, वर्टिकल लाइन का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट भी क्या है? 0,0। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 0,-है, 0,-है। मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट, तो क्या करोगे आप जल्दी बताओ? आप लिखोगे, देखो एक्स वाई में है सारा कुछ, जेड में तो 0 ही है, तो जेड हटा दो, जेड सी एम 0 है, एक्स सी एम निकालते हैं। चलो बहुत सुंदर, इसका मास क्या क्या चीज़ है? एक एक बॉडी है, एक ये है, दो ये, तीन ये, चार और आउटर पाँच, पाँच चीज़ें हैं ना, पाँचों का लिखेंगे। सबसे पहले वन का, चलो वन इसको रखा हम, तो वन एम इंटू एक्स कोऑर्डिनेट बोलो इसका, माइनस है, बहुत सुंदर, प्लस लिख दिया ऐसे, एम वन एक्स वन प्लस इसका एम इंटू प्लस है, इसका इसका एम इंटू जीरो, तीसरा भी हो गया, चौथा इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी 0, और इसका बड़े वाले सर्कल का सेंटर यही है वो भी 0, 6 m, बड़े वाले का 6 m है ना मास, अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है? 1, 2, 4 और 6, 10, 10 m। बोले समझ में आई इतनी बात? तो माइनस एम ए से प्लस एम ए चला गया, ये तो 0,0 ही थे, ये भी 0,0 था, बोलो। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया? एक्स सी एम आ गया 0, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ वाई सी एम पे, वाई वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट इसका भी है, इसका भी है, तो एम ए एम ए, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी। अच्छा, 3 का वाई कोऑर्डिनेट तो 0,0 ही है, 0 है, और 3 मतलब रिंग का, सॉरी वर्टिकल लाइन का 0 है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का वाई कोऑर्डिनेट माइनस है, तो एम इंटू 0 एम इंटू माइनस है, बहुत सुंदर। प्लस 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 टोटल पांचवा क्या है? पांचवा आउटर रिंग है ना, 6 m इंटू टोटल, 6 m इंटू 0 अपॉन टोटल मास 10 m, तो माइनस एम ए से एम ए कट गया, बाकी तो 0,0 ही है, ये एम ए और 10 ए बाय 10 आ गया, वाई सी एम क्या आ गया? ए बाय 10, दैट विल बी द आंसर। एक्स सी एम 0, जेड सी एम तो 0 था ही था, वाई सी एम कितना आ गया? ए बाय 10 इज द आंसर। बोलो समझ में आया? यानी ओरिजिनल पूरे आउटर सर्कल के सेंटर से ए बाय 10 ऊपर क्या मिलेगा? इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा।